मित्रों नमो नमः सुप्रभातम। आप सभी का जीके राजस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मित्र, हम लोग लगातार संधि का जो प्रश्न है उसी का प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको बता दें, दो वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं, संधि का प्रैक्टिस कर चुके हैं। अगला हम फिर यहां से शुरुआत करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, लगातार प्रैक्टिस चल रही है और जल्दी जल्दी आप सभी लोग जुड़ जाइए और कमेंट करके बताइए कि संधि का जो ये चैप्टर है आपके समझ में कितना आ रहा है। आप लगातार कमेंट करके बताइए। अगला सवाल है, प्रहरीव अत्र संधि विच्छेदम कुरुत। प्रहरीव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निश्चित रूप से ए ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रहरी धन इव। प्रहरी धन इव, मेरे भाई बहन, प्रहरी धन इव, रा में दीर्घ ई है और ई में हरस्व ई है, तो दीर्घ और हरस्व मिलकर के दीर्घ हो गया, यानी कौन सी संधि हो गई मेरे भाई बहन? दीर्घ संधि। कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि। और इसका सूत्र आपको पता ही है, अकह सबरणे दीर्घ, अकह सबरणे दीर्घ। तो प्रहरीव, प्रहरीव में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। और दीर्घ संधि का सूत्र क्या है? अकह सबरणे दीर्घ। और मेरे भाई बहन, प्रहरीव का संधि विच्छेद क्या होगा? तो ए ऑप्शन को सही कर लीजिए, प्रहरी धन इव। आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। एक चीज़ जान लीजिएगा, एक दिन में कोई विद्वान नहीं हो जाता है, धीरे धीरे बूंद बूंद से घड़ा भरेगा, धीरे 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 आप सीख पाएंगे। तो लगातार हर क्वेश्चन को अगर आप नोट करते जा रहे होंगे ना, हमारे कम से कम 15 वीडियो पढ़ चुके हैं, 15 वीडियो अगर लगातार आप नोट्स बना रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो आपके पास एक अच्छा सा नोट्स तैयार हो रहा होगा। आप नोट्स तो बनाया करिए, कॉपी ले लीजिए, 20-25 रुपए की कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, पढ़ते रहिए, हमारी बातों को सुनते रहिए, नोट करते चलिए, लिखते रहिए। अरे बहुत अच्छी राइटिंग ना बन पाए कोई दिक्कत नहीं, राइटिंग ना बने इसका कोई मतलब नहीं, दिमाग में क्वेश्चन जाना चाहिए। तो उसी तरह रफली कार्य करते रहिए, नोट करते रहिए। चलिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, इति धन आदि ही, इति धन आदि ही क्या बनेगा? इत्यत्र संधि ही वर्तते। ध्यान से सुनिएगा, बहुत कठिन कठिन प्रश्न है, बहुत हल्के मत समझिएगा। आइए देखते हैं क्या बनेगा। इति धन आदि ही, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई बहन, जब इति को आप तोड़ेंगे तो ता से निकलेगा क्या? हरस्व ई। और इधर क्या है? इधर आपका है आदि ही। आप पढ़े होंगे यण संधि में, किस संधि में? यण संधि में, जब ई उ रिल री के बाद कोई आसमान स्वर आवे तो ई के स्थान पर या, उ के स्थान पर वा, री के स्थान पर रा, ली के स्थान पर ला हो जाता है, इसीलिए ई के स्थान पर क्या हो गया? या। इधर से उतर गया इत, इधर से उतर गया इत, ई के स्थान पर या, और इधर से उतर गया आदि ही। क्या बना मेरे भाई बहन? इत्यादि ही। ता आधा है तो आधा रहेगा, या में दीर्घ आ की मात्रा लग जाएगी, क्या बनेगा? इत्यादि ही। इसका मतलब इति धन आदि ही से जो बनेगा वो बनेगा इत्यादि ही। इति धन आदि से जो बनेगा इत्यादि ही बनेगा, इसका मतलब ई के स्थान पर या हुआ, ई के स्थान पर या यण संधि में होता है, इसका मतलब डी राइट आंसर, डी ऑप्शन को सही कर लीजिए, डी सही जवाब। इत्यादि में यण संधि है और यण संधि का सूत्र क्या है मेरे भाई बहन? ई को यणची, इकह स्थाने यण स्यात् अच संहितायाम विषय, इक के स्थान पर यण होगा यानी ई उ रिल री के स्थान पर यावा राला होगा यानी ई के स्थान पर या, उ के स्थान पर वा, री के स्थान पर रा, लरी के स्थान पर ला होता है, इसी का नाम है मेरे भाई बहन यण संधि। आइए अगला सवाल, मनोरथ। क्या गजब का सवाल है, इस प्रकार का प्रश्न बहुत सारे लोग खूब एग्जाम में गलत कर दें, मनोरथ का संधि विच्छेद गलत कर देंगे और मनोरथ में कौन सी संधि है इसको गलत कर देंगे। चलिए आप जल्दी से बताइए, मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा आप ही को बताना है,
चलिए जल्दी से बताइए मेरे भाई बहन, मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा? सी राइट ऑप्शन, बिल्कुल सही जवाब। मनस धन रथ से बना मनोरथ। अच्छा, सबसे लाजवाब क्वेश्चन यही है कि मनोरथ में कौन सी संधि है? बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं, मनोरथ में विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि है मेरे भाई बहन, मनोरथ में विसर्ग संधि है। और किस सूत्र से होता है? तो सूत्र भी लिख लीजिए हसिचा, सूत्र का नाम भी लिख लीजिएगा हसिचा। हसिचा सूत्र है, विसर्ग संधि का सूत्र है। आगे मैं आपको डिटेल में जब पढ़ाऊंगा हसिचा सूत्र को, वहां बता दूंगा। मेरे भाई बहन, बहुत सारे लोग मनोरथ में गलत मार देते हैं, मनोरथ का संधि विच्छेद होगा मनस धन रथ। मनोरथ में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। और किस सूत्र से हुआ है? तो हसिचा सूत्र से हुआ है। नोट कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। सात सूत्रेण निष्पादित पदम, सात सूत्र का उदाहरण क्या है मेरे भाई बहन? तो सात सूत्र का उदाहरण दो ठो है, याद कर लीजिएगा। एक है प्रश्न और एक है विष्ण। तो यहां पर तो ए ऑप्शन को सही कर लीजिए मेरे भाई बहन। प्रसधन न बराबर प्रश्न और विष धन न बराबर विष्ण। ये विष्ण और प्रश्न, ये सात सूत्र के उदाहरण मेरे भाई बहन। विष्ण और प्रश्न किस सूत्र का उदाहरण? सात सूत्र का उदाहरण है ना। जब सकार के बाद तावर्ग आवे तो वहां पर आपको बता दे अश्युत संधि नहीं होगी। सात परस्य तावर्गस्य न अश्युत्वम, जब सकार के बाद ताथा दाधा न आवे तो वहां अश्युत संधि नहीं होगी। आगे मैं जब व्यंजन संधि पढ़ाऊंगा तो वहां पर इसकी हम आपसे खूब चर्चा करेंगे, खूब पढ़ाएंगे। अभी इतना जान लो कि सात सूत्र का यही दो उदाहरण याद कर लेना, आपके एग्जाम के लिए खूब इंपॉर्टेंट है। विष्ण और प्रश्न खूब पूछा जाता है, नोट कर लीजिएगा। ये दोनों सात सूत्र के उदाहरण है। अगला सवाल वही आ गया, प्रेजते। प्रेजते में कौन सी संधि है मेरे भाई बहन? प्रेजते में पहले बताओ कौन सी संधि है? तो प्रेजते में पररूप संधि है। कौन सी संधि है प्रेजते में? पररूप संधि। और आपको बता दें पररूप संधि का सूत्र क्या है? तो वही सी राइट आंसर, एंग पररूपम। और प्रेजते का संधि विच्छेद क्या होगा? प्रधन एजते। प्रधन एजते से क्या बनेगा? प्रेजते बनेगा। और आपको बता दे पररूप संधि होगी और उसका सूत्र है एंग पररूपम, नोट कर लीजिएगा। अगला सवाल, चाधन एकदा। चाधन एकदा से क्या बनेगा मेरे भाई बहन? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चाधन एकदा, तो सी ऑप्शन को सही कर लीजिए। चैकदा कौन सी संधि होगी? तो वृद्धि संधि होगी। कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि। अभी हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दे रहे हैं और आगे हम वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, अयाद संधि, पर रूप, पूर्व रूप, स्वर व्यंजन, विसर्ग संधि के जितने सूत्र हैं सबकी व्याख्यात्मक हम आपसे बातचीत करेंगे अभी। लेकिन समझते चलिएगा मेरे भाई बहन, चाधन एकदा से क्या बनेगा? चैकदा बनेगा। और कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी, नोट कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल, भावकः पदस्य संधि विच्छेद भविष्यति। भावकः पद का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है। किस पद का? भावकः पद का। चलिए जितने भाई बहन लाइव होकर के देख रहे हैं जल्दी से बताइए भावकः का संधि विच्छेद क्या होगा? ए बी सी डी चार ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, जल्दी से कमेंट करके बताइए भावकः पद का संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी से बताइए। और भावकः में कौन सी संधि है? जल्दी से आप कमेंट करके बताइए मेरे भाई बहन, भावकः में कौन सी संधि है और संधि विच्छेद क्या होगा मेरे भाई बहन। बी राइट आंसर, बी ऑप्शन को सही कर लीजिए। भावधन आकह। आइए देखते हैं कौन सी संधि है मेरे भाई बहन। जब भाव को तोड़ेंगे
यहाँ आप देख रहे हैं ना भाव लिखा, भाव भाव भाव, जब भास भास से अलग करेंगे तो औ निकलेगा, तो भाव को तोड़ेंगे भास से निकला औ, और इधर आपका हो गया अकह। औ की जगह आयाद संधि में आव होता है, आव, औ की जगह आयाद संधि में आव होता है, इधर से उतर गया भ और इधर से उतर गया अकह। मिला दीजिए मेरे भाई बहन, भा में दीर्घ अ मिला बन गया भा, व में हरस अ मिला बना वा, और उधर से उतर गया कह बन गया भावकह। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, भावकह का संधि विच्छेद होगा भाव धन अकह, और कौन सी संधि होगी अगर संधि पूछा जाए तो संधि का नाम लिखिएगा आयादि संधि, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेरे भाई बहन। आयादि संधि का सूत्र यदि पूछा जाए तो एच ओ आय वाया वह, एच ओ आय वाया वह, आयादि संधि का सूत्र है एच ओ आय वाया वह, और भावकह का संधि विच्छेद क्या होगा भाव धन अकह, और क्या बनेगा भावकह, कौन सी संधि है आयादि संधि, सूत्र क्या है एचो अयवायावा, इतने प्रश्न बन रहे हैं मेरे भाई बहन, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, कस्मिन पदे दीर्घ संधि अस्ति, कस्मिन पदे दीर्घ संधि अस्ति, किस पद में दीर्घ संधि है, चलिए नास्ति चैव पावकः रमेशः, तो किसमें दीर्घ संधि है मेरे भाई बहन, इसी नास्ति में दीर्घ संधि है, नास्ति में कौन सी संधि है मेरे भाई बहन, दीर्घ संधि, तो ए राइट आंसर, ए ऑप्शन को सही कर लीजिए। चैव में कौन सी संधि है, तो चैव में आपका हो जाएगा वृद्धि संधि, चैव में कौन सी संधि होगा वृद्धि संधि, पावकह में कौन सी संधि होगी अयाद संधि, सबका नोट कर लीजिए, पावकह में अयाद संधि, रमेशा में कौन सी संधि होगी, तो गुण संधि, चारों ऑप्शन को हम लिख दे रहे हैं, पूछा जा रहा है किसमें दीर्घ संधि है, किसमें दीर्घ संधि है, तो ए ऑप्शन को सही कर लीजिए, यानी नास्ति में, नास्ति में दीर्घ संधि है मेरे भाई बहन, बाकी चैव में वृद्धि संधि, पावकह में अयादि संधि, रमेशा में गुण संधि, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ए बी सी डी चार ऑप्शन है ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अगला सवाल, झलाम जसो अन्ते, झलाम जसो अन्ते पदान्ते झलाम जसस्यु, बहुत लाजवाब सूत्र है, जस्तु संधि का सूत्र है मेरे भाई बहन, खूब एग्जाम में पूछा जाता है, इसका उदाहरण क्या है वागीसा, इसका उदाहरण क्या है मेरे भाई बहन, वागीसा है, जगदीसा है, सुबंता है, अजंता है, ये सब झलाम जसो अंते का उदाहरण है, लिख लीजिए, कुछ उदाहरण मैं यहां लिख दे रहा हूं, जगदीश वागीश, तीसरा लिखिएगा सुबंत, चौथा लिखिएगा अजंत, ये चार उदाहरण लिख लीजिए, यही उदाहरण आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता, बार बार आता है, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, झलाम जसो अंते से जस्तु संधि होती मेरे भाई बहन, कौन सी संधि होगी, तो संधि का नाम हो जाएगा जस्तु संधि, कौन सी संधि होगी जस्तु संधि, और आपको बता दें जगदीशा इसका उदाहरण बनेगा, जगदीशा बना, वागीसा बना, सुबंता बना, अजंता बना, ये उदाहरण आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला प्रश्न, अधो लिखितेषु पररूप संधेह रूपम अस्ति, किसमें पररूप संधि है आपको यही बताना मेरे भाई बहन, किसमें पररूप संधि है, तो डी राइट आंसर, मनीषा, मनीषा राइट आंसर, मनीषा में कौन सी संधि है पररूप संधि, और इसका संधि विच्छेद क्या होगा मनस धनीषा, मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मेरे भाई बहन, मनीषा में पररूप संधि है और इसका संधि विच्छेद क्या होगा मनस धन ईसा, मनस धन ईसा, मेरे भाई बहन आगे आपको मैं टी संज्ञा पढ़ाऊंगा, टी संज्ञा अचो अंत्यादि टी,
अचोन्त्यादि टी टी संज्ञा आगे पढ़ाऊंगा, पर रूप संधि पढ़ाने के पहले तो मनस में किसकी टी होती है, मनस में अगर टी पूछा जाए मेरे भाई बहन अस की, मनस में टी किसकी होगी, अस की टी संज्ञा होती है। टी संज्ञा जो नहीं जानते होंगे कोई बात नहीं है, आगे टी संज्ञा अभी पढ़ाए नहीं है आपको, हम पढ़ा देंगे। मनस में अस की टी संज्ञा होगी और जिसकी टी संज्ञा होगी उसका लोप हो जाएगा, तो मेरे भाई बहन ना हो जाएगा हलंत, दीर्घ ई मिल करके क्या बन जाएगा, मनीषा। यानी पर रूप संधि का उदाहरण क्या है, तो मनीषा डी राइट आंसर, डी ऑप्शन को सही कर लीजिए। अगला सवाल, एंग पदान तादति, एंग पदान तादति, एंग पदान तादति, 21 संधि का सूत्र है मेरे भाई बहन, तो नोट कर लीजिए पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप संधि। और पूर्व रूप संधि में अगर अंग्रेजी का यश दिखाई पड़े, अंग्रेजी का यश यानी अवग्रह, इसी को हम लोग बोलते हैं ना अवग्रह चिन्ह, इसी को हम लोग बोलते हैं अवग्रह चिन्ह, ये अवग्रह चिन्ह है मेरे भाई बहन। यानी अंग्रेजी का यश दिखाई पड़े, अंग्रेजी का क्या दिखाई पड़े यश, तो समझ लेना कौन सी संधि होगी, वहाँ पर पूर्व रूप संधि होगी। और इसी पूर्व रूप संधि का सूत्र क्या है, एंग पदान तादति है। और आपको बता दें लेकिन ये जो अवग्रह होगा ना, ध्यान से सुनिएगा, इस अवग्रह जो होगा ये अवग्रह या तो ए के बाद होगा या तो ओ के बाद होगा, ध्यान से देखिएगा। ये अंग्रेजी का जो यश अक्षर है आप जान लीजिए, या तो इसे अवग्रह चिन्ह बोलते हैं, या तो ए के बाद होगा या तो ओ के बाद, इसका मतलब ए राइट आंसर। यहाँ आप देखिए ए के बाद, हरे में देखिए ए है, ए के बाद अवग्रह है, तो समझिएगा ए के बाद अवग्रह आए तो समझिएगा पूर्व रूप संधि होगी, एंग पदान तादत सूत्र है। अगला जैसे तेजो, तेजो असी, तेजो असी, आप यहाँ देखिए जो अवग्रह का चिन्ह है ओ के बाद है, ओ के आप जान लीजिए ओ के बाद है तेजो असी, यानी जब ए के बाद अवग्रह का चिन्ह आवे अथवा ओ के बाद अवग्रह का चिन्ह आवे तो समझिएगा पूर्व रूप संधि होगी। बहुत आसान संधि है, बहुत सिंपल संधि है, न बहुत आसान है, इसको सभी लोग जानते होंगे मेरे भाई बहन, आप पढ़े होंगे तेजो असी तेजो मैधे वीर्यमसी वीर्यम मैधे बलमसी बलम मैधे ओजो असी ओजो मैधे। चलिए अगला सवाल, मधुधनारी, मधुधनारी से क्या बनेगा मेरे भाई बहन, मधुधनारी से क्या बनेगा, जो मधुधनारी से बनेगा मध्वरी ही बनेगा, तो डी राइट आंसर, डी ऑप्शन को सही कर लीजिए। देखिए मधु धन अरिह, मधु धन अरिह, जब आप मधु को तोड़ेंगे ना तो धा से क्या निकलेगा, धा से निकलेगा उ, और इधर क्या है, इधर है आपका अरिह, इधर क्या है मेरे भाई बहन अरिह, आपको पता होगा उ के बाद कोई भी असमान स्वर आवे तो उ के स्थान पर क्या हो जाएगा, उ के स्थान पर वह हो जाएगा, इधर से उतर आएगा मध उ के स्थान पर वह, और इधर से उतर आएगा अरिह, मिला देंगे क्या बनेगा मेरे भाई बहन, मिला देंगे तो आपका बन जाएगा मध्वरी। और आपको बता दें मध्वरी में कौन सी संधि है, मधुधन अरि से बनेगा मध्वरी, अगर संधि का नाम पूछा जाए तो नोट कर लीजिए यण संधि, मध्वरी में कौन सी संधि होगा यण संधि, नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट आप ले लिए होंगे। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं, चलिए अगला प्रश्न, अस्तोह अश्चुनाश्चुः, अस्तोह अश्चुनाश्चुः, अस्तोह अश्चुनाश्चुः इति सूत्रस्य उदाहरणम् वर्तते, अस्तोह अश्चुनाश्चुः सूत्र का उदाहरण क्या है आप ही को बताना मेरे भाई बहन, तो निश्चित रूप से सी राइट आंसर, सी ऑप्शन को सही कर लीजिए। रामश्चिनोति रामश्चिनोति न रामस्येते रामश्चिनोति,
ये सभी अच्युत संधि का सूत्र है। अच्युत संधि के उदाहरण हैं। अच्युत संधि का सूत्र क्या है? अस्तोः अश्चुनाश्चु। अच्युत संधि का जो सूत्र है अस्तो अश्चुनाश्चु है, ये सूत्र कहता क्या है? सकार ता वर्गयोः सकार च वर्गाभ्याम योगे सकार च वर्गौ अस्तः। आगे सूत्र की हम आपसे डिटेल में बातचीत करेंगे, अभी इसका उदाहरण क्या है तो सी ऑप्शन को सही कर लीजिए। रामश्चिनोति यानी राम चुनता है। चलिए अगला सवाल। पठत्वत्र यानी पठतु धन अत्र, यहाँ पर भी यण संधि है, उ की जगह वह हो गया, तो यहाँ पर आप बी राइट आंसर, बी ऑप्शन को सही कर लीजिए। पठतु धन अत्र बनेगा पठत्वत्र। पठतु धन अत्र, अत्र माने यहाँ, पठतु ये लोट लकार का रूप है मेरे भाई बहन। पठतु पठताम पठन्तु पठ पठतम पठता पठानि पठाव पठाम। आगे हम आपको लकार भी बहुत अच्छे से समझा देंगे। चलिए अगला सवाल, प्रश्न संख्या 40। हरि रम्यः हरि रम्यः, अभी हमने आपको बताया हरि रम्यः से क्या बनेगा? हरि रम्य ए बनेगा, यानी बी राइट आंसर, बी ऑप्शन को आप सही कर लीजिए। हरि रम्य मेरे भाई बहन बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, बनेगा हरि रम्य, तो बी राइट आंसर, बी ऑप्शन को सही कर लीजिए। जितने भाई बहन लाइव होकर के पढ़ रहे हैं एक बार आप कमेंट करिएगा आपके समझ में आ रहा है कि नहीं। और दूसरी चीज़, आप एक बार लिंक को शेयर कर दीजिए, आप अपने ग्रुपों में फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप में आप शेयर कर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपसे वादा किया हूँ कि बहुत प्रकार के प्रश्नों को हम आपको बता देंगे, चाहे संधि के हों, चाहे समास के हों, चाहे कारक के हों, चाहे प्रत्यय के हों, चाहे शब्द रूप के हों, चाहे धातु कहीं से भी हों, और याद करा करके छोड़ेंगे, बस आप यूं ही हमारे साथ बने रहिएगा। चलिए अगला सवाल। वर्णों की अत्यंत सन्निधि होने पर कौन संहिता होगी? वर्णों की अत्यंत सन्निधि होने पर कौन सी संहिता होगी? तो यही संहिता संज्ञा होगी मेरे भाई बहन, ए ऑप्शन को सही कर लीजिएगा। इसका आगे आपको संज्ञा पढ़ाएंगे, अभी संज्ञा भी नहीं पढ़ाए। परह सन्निकर्षः संहितः, परह सन्निकर्षः संहिता, वर्णानाम अतिशयितः, वर्णानाम अतिशयितः, वर्णों की अत्यधिक समीपता को हम संहिता बोलते हैं। संहिता का मतलब नजदीकता, समीपता। जब एक वर्ण दूसरे वर्ण के, देखिए एक वर्ण आ है और फिर एक वर्ण आ है, ये दोनों एक दूसरे के नज़दीक है। नज़दीक का मतलब इन दोनों आ के बीच में किसी और वर्ण का व्यवधान नहीं है, यही संहिता है। संहिता माने नज़दीक, जब दो लोगों के बीच में कोई व्यवधान ना हो, कोई मतभेद ना हो, तो उसे संहिता कहते हैं मेरे भाई बहन। चलिए अगला सवाल, प्रश्न संख्या 42। गायक शब्द में संधि बतावें। चलिए गायक में चलिए जितने लोग पढ़ रहे हैं जल्दी से गायक में संधि बताइए। गायक में पूर्व रूप है कि अयादि है कि वृद्धि है कि दीर्घ है? चलिए जल्दी से एक बार कमेंट करके बताइए, जल्दी से गायक में आप कौन सी संधि है? चलिए जल्दी से कमेंट करके बताइएगा मेरे भाई बहन, गायक में कौन सी संधि है? चलिए बिल्कुल राइट आंसर, बी सही जवाब। गाय धन अका से गायक बनेगा, अयादि संधि होगी मेरे भाई बहन। देखिए गाय धन अका कैसे बना है? जब गाय को तोड़ेंगे ना तो ग से निकलेगा आय। अब इधर क्या है मेरे भाई बहन? इधर है आपका अका। आप अयादि संधि में पढ़े होंगे आय की जगह आय हो जाता है, क्या हो जाता है? आय। और इधर से क्या उतरेगा? अका। अब इधर से क्या उतरेगा? गा हलंत है, मिला दीजिए क्या बनेगा? गायकः नायकः पावकः नयनम पवनम हरये गुरवे साधवे भानवे, इन सब में अयादि संधि है मेरे भाई बहन, इन सब में अयादि संधि है। अयादि संधि इंपॉर्टेंट संधि होती है, तो गायकः में
कौन सी संधि है? अयाद संधि। और आपको बता दें इसका संधि विच्छेद क्या होगा, गय धन अकह गाय कह और गय धन इका गायिका, नय धन अकह नायकह, नय धन इका नायिका, पोधन अन पवन, पावधन अकह पावकह, नेधन अनम नयनम, पोधन अनम पवनम। ना इस तरह के बहुत उदाहरण है, हरे धन ए हरे, गुरो धन ए गुरवे, भानो धन ए भानवे, साधो धन ए साधवे। तो अयाद संधि के बहुत उदाहरण हैं। आगे जब अयाद संधि मैं विस्तृत रूप से पढ़ाऊंगा वहां पर व्याख्या कर दूंगा। अभी इतना भर जानो, अभी इतना जानो गायका में कौन सी संधि है। तो गायका मेरे भाई बहन अयाद संधि है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल मनीषा, अभी आपको पढ़ाए थे मनीषा में कौन सी संधि है, अभी आपने पढ़ा था डी राइट आंसर प्ररूप संधि। मनस धन ईसा, मनीषा का जो संधि विच्छेद होगा मनस धन ईसा, कौन सी संधि होगी, प्ररूप संधि। 43 का मेरे भाई बहन डी राइट आंसर। अगला सवाल प्रश्न संख्या 44, क्या लाजवाब सवाल है मेरे भाई बहन। लाकृति ही लृधन आकृति से बनेगा लाकृति, और यण संधि में बनेगा। किस संधि में, यण संधि में। बहुत लोग गलत कर देते हैं, आप सी राइट आंसर सी ऑप्शन को सही कर लीजिए। कैसे बना आइए हम आपको दिखा दें। लृधन आकृति मेरे भाई बहन लृस्वर है, लृस्वर है और स्वर कभी टूटता नहीं। यण संधि में आप पढ़े होंगे जब ई के बाद कोई असमान स्वर आवे तो ई की जगह या, ऊ के बाद कोई असमान स्वर आवे तो ऊ की जगह वा, री के बाद कोई असमान स्वर आवे तो री की जगह रा, और लरी के बाद कोई असमान स्वर आवे तो लरी की जगह क्या हो जाएगा मेरे भाई महान, ला हो जाएगा। और इधर उतर आएगा आकृति, इधर उतर आएगा आकृति, मिला दीजिए ला में दीर्घ आ मिल जाएगा, बनेगा लाकृति। क्या बन जाएगा मेरे भाई बहन, लाकृति। और लाकृति में कौन सी संधि होगी, लाकृति में कौन सी संधि होगी, यण संधि होगा। यण संधि का सूत्र क्या है, ई को यणच है मेरे भाई बहन, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाकृति उदाहरण आप मत भूलिएगा, लरी के समान टेढ़ी मेढ़ी आकृति वाले कौन, भगवान श्री कृष्ण। आप श्री कृष्ण को देखे होंगे, अगर बांसुरी लिए हैं तो उनका कभी आप बताओ, कभी बांसुरी लिए ऐसे एकदम सीधा फुल स्टैंड सीधा फोटो देखे हैं आप, कभी नहीं देखो। बांसुरी लिए हैं तो ऐसे टेढ़ हो जाएंगे, यानी बांसुरी लिए हैं तो टेढ़ हो जाते हैं, यानी लाकृति माने लरी के समान टेढ़ी मेढ़ी आकृति वाले कौन, भगवान श्री कृष्ण। चलिए अगला सवाल, लोपः साकल्यस्य, लोपः साकल्यस्य। मेरे भाई बहन एक साकल्य मुनि थे, पाणिन के पहले के मुनि थे साकल्य। साकल्य मुनि ने कहा कि लोप हो जाए किसका, आवर्ण पूर्वयो पदांत यवयो लोपो वाच परे। मेरे भाई बहन साकल्य मुनि लोप करा रहे थे ना, और पूछा जा रहा है इनका उदाहरण क्या है, तो ए ऑप्शन को सही कर लीजिए। हर इहि लोपः साकल्यस्य माने लोपः माने लोप हो जाए, साकल्यस्य माने साकल्य मुनि के अनुसार। साकल्य मुनि पाणिन के पहले के थे, और अयाद संधि जब मैं पढ़ाऊंगा तो वहाँ पर हम आपको लोप करके भी दिखा देंगे, यानी साकल्य मुनि आते हैं और अयाद संधि में पाणिन के नियमों में, चूंकि ये पाणिन से बड़े थे इसीलिए इनका कहा पाणिन टाल नहीं पाए और इनके अनुसार लोप हो गया। आवर्ण पूर्वयो पदांत यवयो लोपो वा अस परे, यानी अस प्रत्याहार परे होने पर या और वा का लोप हो जाता है मेरे भाई बहन। ए लोपा साकल्यस्य मुनि हैं, ए या का लोप कराते हैं और ए वा का लोप कराते हैं। आगे मैं जब अयाद संधि पढ़ाऊंगा तो वहां पर बता दूंगा ए राइट आंसर, अभी ए ऑप्शन को सही कर लीजिए। चलिए अगला सवाल प्रश्न संख्या 46 वही आ गया, मनीषा अभी आप पढ़ चुके हैं मनीषा, चूंकि मनीषा इतनी इंपॉर्टेंट मेरे भाई बहन, इसका संधि विच्छेद क्या है, मनस धन ईसा। अभी हम आपको बता दिए हैं मनीषा का संधि विच्छेद मनस धन ईसा, और कौन सी संधि है वही पररूप संधि। नोट कर लीजिएगा आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
मनीषा में कौन सी संधि है? तो पररूप संधि। चलिए अगला सवाल, शिव छाया क्या गजब का सवाल, पदस्य विच्छेदा भवेत। चलिए जितने भी लोग पढ़ रहे हैं जल्दी से बताइए, शिव छाया इसका इस पद का विच्छेद क्या होगा? तो बी राइट आंसर, बी ऑप्शन को सही कर लीजिए, शिवधन छाया। आगे हम आपको बताएंगे मेरे भाई बहन कि इधर वा है, हरस आ है, उधर छा है, तो बीच में चा आ जाता है। आगे हम आपको पढ़ाएंगे क्या बनेगा, शिव छाया बन जाएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। चलिए अगला सवाल, प्रश्न संख्या 48, विसर्जनीयस्य सह कदा भवति। विसर्जनीयस्य सह एका रहा है ना, कि विसर्ग को सा कब होता है, विसर्ग को सा कब होगा? ए राइट आंसर, ए ऑप्शन को सही कर लीजिए, जब खर परे, खर प्रत्याहार का वर्ण बाद में हो, जब खर प्रत्याहार का वर्ण बाद में हो तो इसी विसर्ग को सा हो जाता है। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा जैसे विष्णु धन त्राता बन जाएगा विष्णु त्राता, तो वहाँ विसर्जनीय सा से ही हुआ है, विसर्जनीय सा खरी परे, विसर्जनीय सा खरी परे। आप दो तीन बार वाचन कर लीजिए सही हो जाएगा, विसर्जनीय सा खरी परे, खर प्रत्याहार कमण बाद में होने पर विसर्ग को क्या हो जाता है मेरे भाई बहन, विसर्ग को सा हो जाता है। चलिए अगला सवाल, प्रश्न संख्या 49, वृद्धि संधि विधायक सूत्र है, ये तो आप जानते ही होंगे, वृद्धि संधि विधायक सूत्र क्या है? तो ए ऑप्शन को सही कर लिया, वृद्धि रेची, ये वृद्धि रेची मेरे भाई बहन, ये वृद्धि संधि का सूत्र है, वृद्धि संधि का। लेकिन बहुत सारे लड़के जल्दबाजी में ए ऑप्शन को मार देंगे, ए ऑप्शन वृद्धि संज्ञा का सूत्र है, वृद्धि संज्ञा, वृद्धि राधेच जो है ना, वृद्धि राधेच ए वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र है, और वृद्धि रेच वृद्धि संधि करने वाला सूत्र है। तो ये दोनों ऑप्शन में कहीं जल्दबाजी में आप कन्फ्यूज ना हो जाए, इसीलिए हम आपको बता दें जब पूछा जाए एग्जाम में ध्यान दीजिएगा, पूछा जाए वृद्धि संधि, अगर संधि पूछा जाए तो वृद्धि रेच सही करिएगा, यदि संधि पूछा जाए तो वृद्धि रेच सही करिएगा मेरे भाई बहन, और इसी संधि की जगह अगर संधि की जगह संज्ञा दे दे, संज्ञा पूछ ले वृद्धि संज्ञा वाला सूत्र कौन सा है, तब ए ऑप्शन को सही कर लीजिएगा, तब ए ऑप्शन सही हो जाएगा। वृद्धि संज्ञा पूछे तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, और वृद्धि संधि पूछे तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ वृद्धि संधि पूछा जा रहा है इसीलिए बी ऑप्शन सही कर लीजिए, दो सवाल बन रहे दोनों यही देख लीजिए, इसीलिए हम ए और बी में दे दिए हैं ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र है, वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र है संज्ञा, तो बहुत सारे लड़के बी मार देते हैं, गलत हो जाता है, संज्ञा कह रहा है तो वृद्धि राधेच, यही वृद्धि राधेच अष्टाध्यायी का पहला सूत्र है, वृद्धि राधेच ये अष्टाध्यायी का पहला सूत्र है वृद्धि राधेच, इससे वृद्धि संज्ञा होती है। लेकिन वृद्धि संधि किससे होगा, वृद्धि संधि वृद्धि रेच से होगा, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा। चलिए अगला सवाल, नायकः का संधि विच्छेद क्या होगा, नायकः तो नय धन अकः, नय धन अकः, सी राइट आंसर, सी ऑप्शन को सही कर लीजिए मेरे भाई बहन, नय धन अकः, अयादि संधि है नायकः में, कौन सी संधि होगी, अयादि। चलिए तोड़िए इसको, ना को तोड़ेंगे ना, नय नय है ना नय, तो ना से निकलेगा ऐ, और यहाँ पर आपका है अकह, आय की जगह अयादि संधि में आय हो जाता मेरे भाई बहन, आय इधर हो जाएगा ना, आय की जगह आय और इधर हो जाएगा अकह, कुछ मत करिए मिला दीजिए, क्या बनेगा, नायकः, नायकः, नायकः का संधि विच्छेद परीक्षा में पूछा जाए तो नय था न कह, और कौन सी संधि है, अयादि संधि है, और इसका सूत्र क्या है, एच ओ अय वाह, एच ओ अय वाह, अयादि संधि का सूत्र है एच ओ अय वाह। मेरे भाई बहन आज का वीडियो आपको कैसा लगा, चूंकि हम लोग थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हैं और अच्छे से पढ़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, बूंद बूंद से घड़ा भरेगा,
आज का वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइएगा। अभी हम लोग फिर अगले वीडियो में फिर संधि पढ़ेंगे। तब तक संधि पढ़ेंगे जब तक आपको हर उदाहरण बता न दिया जाए, तब तक संधि का प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद व्याख्यात्मक हम लोग पढ़ेंगे, कुछ नहीं छूटेगा, मैं पूरी जिम्मेवारी लेता हूँ। आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो इसे आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जीके राजस्थान यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, अपने मित्रों को बताइएगा। फिर कल मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नमः।